लहसुन इसी में आप सर्वांगासन कर सकते हैं। सेतु बंदासन चक्रासन कर सकते और कुछ पेट के बाद लेट के भी कर सकते हैं। में धनुरासन कर प्राणायाम करते हैं फिर सूर्य नमस्कार। आइए बैठिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में सबसे पहले हम लोग हस्ती का लंबा सांस खींचेंगे लंबा छोड़ेंगे। पूरा फेफड़ा भर लेना है पूरा पेट फिर सब खाली करना है। अब अगर आप शुरुआत करें तो धीरे धीरे खींचिएगा मेरा अभ्यास है इसीलिए तुरंत तुरंत हो जा रहा है। धीरे धीरे मतलब जितना स्लोली आप खींच सकते हैं सांस जितना दूर तक बांध सकते हैं एकदम। धीरे धीरे छोड़िएगा भस्त्रिका करने के बाद कपाल भाति करते हैं तो सांस को पंप करके बाहर निकालने पे ही फोकस करना है। थक जाते हैं तो फिर एक लंबा गहरा सांस लेकर फिर से शुरू करना है। कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम फिर बायां नासिका से खींचेंगे फिर दाहिना से छोड़ेंगे फिर दाहिना से खींचेंगे बायां से छोड़ेंगे। ये एक चक्र होगा इसको 5 से 7 बार दोहरा सकते हैं। जो
जितना खींच सकते हैं बायां नासिका से खींच लेना सांस को, फिर बाएं को बंद करके दाहिने से खाली करना। फिर दाहिने से खींच के पूरा सांस भर लेना है छाती में। फिर दाहिने नाक को बंद करके बाएं नासिका से छोड़ देना है। ये एक साइकिल हुआ, इसको 5 से 7 बार दोहराना। ठीक है, इसके बाद उज्जायु। उज्जायु में क्या करते हैं, सांस को खाली करते हैं, पहले खाली हो गया, कंठ को सिकुड़ के वहां से सक करते हैं, कंठ को संकुचित करके पूरा सांस भर लेना है और फिर दाहिने नासिका को बंद करके बायां से छोड़ देना है। अब इसके बाद भ्रामरी। भ्रामरी में ये 3 अंगुलियां जो है आँख के ऊपर रहेगा और अंगूठे से ये छोटा वाला कान के हिस्सा को दबा के बंद करना है और भौंरा जैसे गुनगुनाना है, सांस खींच के फाड़ लेना, फिर छोड़ते समय गुनगुनाना है। के बाद उद्गीत प्राणायाम, जिसमें ओम का उच्चारण करते हैं, उसको कर सकते। Oh.
समय रेडियो को रगड़ करके इसका नेचुरल चीज को चेहरे पे लगाना है। ये सारे प्राणायाम का स्लॉट था। इसके बाद सूर्य नमस्कार, इसमें 12 कंप्लीट आसन है जो कि मंत्र के साथ किया जाता है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ॐ खगाय नमः, ॐ पूष्णे नमः, ॐ हिरण्यगर्भाय नमः, ॐ मरीचये नमः, ॐ आदित्याय नमः, ॐ सवित्रे नमः, ॐ अर्काय नमः, ॐ भास्कराय नमः। ये सूर्य नमस्कार, अब इसके बाद आप शीर्षासन कर सकते हैं। शासन में हथेलियों को इस तरह से खड़ा के सबको इस तरह टिकाना है, उसके धीरे धीरे पास लाना है, एक पैर को उठाना है, फिर दूसरा पैर को दूसरे के बाद प्रवेश करना है।